हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सना और आज मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूं। चिकन कढ़ाई बनाना बहुत आसान है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई घर पे बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने आधा कप के करीब ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे तरीके से गरम हो गया है। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। इस प्याज को हमें हल्का सा पकने देना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बस हमारा प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए, हल्का सा पक जाए, इतना ही इसे पकाना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्याज हमारी पक चुकी है। प्याज को हम निकाल लेंगे, बस इतना ही पकाना है, प्याज को ब्राउन नहीं करना है। इसे निकाल लेंगे और निकाल करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। वैसे चिकन कढ़ाई में जो है प्याज नहीं पड़ती है, लेकिन प्याज डालने से हमारी एक तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्याज इसमें ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप बिना प्याज के बना सकते हैं। अभी ऑयल में मैंने डाल दिया है 750 ग्राम चिकन। इसको अच्छी तरीके से वॉश करके आप ऐड कर लीजिए। अब चिकन को हमें ऑयल में भूनना है 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से। मीडियम हाई फ्लेम करके 1 से 2 मिनट के लिए हम चिकन को इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डाल ली है इसमें, और अब इसको भी चलाते हुए भून लेंगे। साथ में 2 से 3 मिनट और भूनेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक मैंने पूरी कढ़ाई के हिसाब से डाल दिया है, सब्ज़ी के हिसाब से डाल दिया है। तो यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा नमक डालें या फिर आप पूरे सालन के हिसाब से डाल दें। इसे नमक और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनेंगे। अच्छे से 3-4 मिनट के लिए हमने अच्छी तरीके से भून लेना है मीडियम हाई फ्लेम पर। और उसके बाद इसमें हमें टमाटर इस तरीके से काट करके, एक टमाटर के 2 पार्ट करके और ऊपर से थोड़ा सा काट करके हम इस तरीके से इसके ऊपर चिकन के ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 से 4 टमाटर लिए हैं। यहाँ पे है ये 4 टमाटर, 4 टमाटर को मैंने बीच में से काट लिया है, इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अब इसको ढक करके हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा। पानी डालने से थोड़ी सी स्टीम बनेगी तो हमारे जो टमाटर हैं अच्छी तरीके से गल जाएंगे और इनकी स्किन आसानी से निकल जाएगी। इसको ढक करके रख देते हैं और 3 से 4 मिनट पकने देते हैं। टमाटर को हमने 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लिया है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और इसकी स्किन जो है हम चिमटे की हेल्प से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से चिमटे से स्किन को उठाएँगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से सारी स्किन को अलग कर लेंगे टमाटर से। टमाटर की स्किन अलग करने के बाद सारे टमाटर को थोड़ा सा चम्मच की हेल्प से मैश कर लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे, जिससे इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होकर के और अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से मैश हो गए हैं और इसमें जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसमें मसाले डाल रही हूँ मैं। 1 छोटी चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हो तो आप वो डाल दीजिए, उससे अच्छा कलर आता है। इसके बाद 1 चम्मच भर के हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच मैंने डाला है इसमें जीरा पाउडर। नमक हमने इसमें पहले ही डाल लिया है, तो आप थोड़ा बहुत नमक डालना चाहें तो डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और हमने जो प्याज फ्राई करके रखी थी, वो प्याज का मैंने मिक्सी में पानी थोड़ा सा डाल के बना लिया है पेस्ट, वो पेस्ट इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और अब सारी चीज़ों को चलाते हुए 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भूनेंगे, जिससे मसाले अच्छी तरीके से पक के तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भून लिया है मसालों के साथ और ये बहुत अच्छे से मसाले पक चुके हैं, ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी। तो दही यहाँ पे मैंने लिया है 50 ml दही मैंने लिया है, अच्छी तरीके से फेंट करके फिर ऐड कर लिया है। दही ना ज़्यादा खट्टी होनी चाहिए ना ज़्यादा मीठी होनी चाहिए, बस नॉर्मल से टेस्ट की दही आपको ऐड करनी है। दही डालने के बाद 1-2 मिनट चलाते हुए इसको पका लेंगे। डालने के बाद हमारा मसाला फिर से रेडी हो गया है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ।
इसमें 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर रहे हैं और पानी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से चला देंगे और ढक करके हम इसको पकने देंगे चिकन को गलने तक। तो चिकन हमारा ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा डन हो चुका है, इसको हम 2-3 मिनट और पका लेंगे ढक करके। 3 से 4 मिनट ढक करके हमने चिकन को पका लिया है। चिकन हमारा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और ढक करके हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पहले इसमें हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे। मोटी वाली हरी मिर्च मैंने ली है, मोटी वाली हरी मिर्च लेके मैंने तिरछा करके काट ली है। आप चाहें तो मोटी वाली हरी मिर्च इसमें साबुत 3 से 4 डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक के जूलियन डाल दिए हैं कटे हुए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आता है। तो बस यहाँ पे अदरक के जूलियन डालेंगे, बस से आप डिश आउट कर सकते हैं। आप बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।